वो कल नाराजगी व्यक्त कर दिए थे कि हमें कुछ सीट चाहिए, हमारे लोगों को लड़ाना है, वो सहमति नहीं बन पा रहा था, उन्होंने बैकआउट किया कि हम पीसी में नहीं जाएंगे और इस तरीके का तबियत खराब होने का बहाना किया गया। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। खबर है बिहार से, जहां पर सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से महागठबंधन से मुकेश सहनी जो है वो अलग हुए, उसके बाद मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव पे बड़ा हमला बोला है। ये कहा है कि जो अपने बड़े भाई तेज प्रताप का नहीं है वो किसी और का क्या हो सकता है। मुकेश सहनी ने बड़ा खुलासा किया है कि वो तेज प्रताप यादव के साथ लगातार मौजूद थे। तेज प्रताप यादव जो है उनकी तबीयत नहीं बिगड़ी थी, उन्हें सदमा लग गया था क्योंकि तेज प्रताप यादव महागठबंधन में आरजेडी कोटे से अपने लिए कुछ सीटें मांग रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन्हें वो सीटें नहीं दी, जिसके बाद वो सदमे में चले गए, जिसकी वजह से उनकी तबीयत जो है वो खराब हुई। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव पर मुकेश सहनी ने आगे खुलासा करते हुए कहा है कि मुकेश जो तेज प्रताप यादव हैं वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना भी नहीं चाहते थे। जो अपने भाई का नहीं हो सकता वो किसका होगा। तेज प्रताप यादव के बहाने किस तरीके से मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है, छोड़े जा रहे हैं आपको उस पूरे बयान के साथ। उनको अपने भाई को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। कल आप लोगों ने टीवी पे देखा कि उन्होंने चक्कर आके गिर गया, ऐसी कुछ बात नहीं है। वो कल नाराजगी व्यक्त कर दिए थे कि हमें कुछ सीट चाहिए, हमारे लोगों को लड़ाना है, वो सहमति नहीं बन पा रहा था, उन्होंने बैकआउट किया कि हम पीसी में नहीं जाएंगे और इस तरीके का तबियत खराब होने का बहाना किया गया। फिर बाद में मान मनोबल किया गया और फिर उनको साथ में लाया गया। सच्चाई ये था, क्योंकि मैं कल 12:30 बजे से 10 नंबर बंगले पे ही था और मैंने देखा, जब मैं गया था तभी मैंने देखा हम तेज प्रताप जी से मिले। उसके बाद जब सहमति बन गया तो लास्ट में भी जब तेज प्रताप जी आए तो उनसे हमने मिला। अब बहुत व्यवहारिक लोग हैं तेज प्रताप जी, लेकिन वो अपने भाई को जब पीछे रखने का कोशिश कर रहा तो भला अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा वो कैसे आगे लाएंगे। आज वो देख रहे हैं कि बिहार में अति पिछड़ा का उभरते हुए सितारा सनक मल्ला है। कल अगर ये अपने पैर को जमा लेंगे तो हमें आने वाले समय में राजनीति करना बहुत कठिन हो जाएगा। और इसलिए उन्होंने साथ रख के कल से दो दिन पहले जब मैं फिर 10 नंबर में गया था, बहुत सारे बातें हुआ। उन्होंने खुद बोला कि आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं लड़िएगा तो डिप्टी सीएम कैसे बनिएगा। तो हमने बोला कि कहीं से लड़ लेंगे। उसके बाद जब गिनती हो रहा था कि 65 सीट कांग्रेस को देना है, वाम दल को 27 सीट देना है, 3 सीट हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को देना है, 25 सीट आपको देना है, फिर हमारे पास बचेगा कितना है, तो हमने कहा आधा सीट बच रहा है, 123 सीट बच रहा है, काफी है। पिछली बार तो आप 100 सीट में लड़े थे। जब ये सारे बातें 2 दिन पूर्व में ही उनके आवास पे हो गया था, उसके बावजूद भी वो मुझे अंधेरे में रखने का कोशिश किया। आपने देखा कि जीतन राम मांझी जी ने दलित का बेटा सिर्फ एक छोटा सा डिमांड रखा था कोऑर्डिनेशन कमेटी कि जो भी बात हो सबके बीच में बात हो। उनके मन में पहले से ही था कि हमें लोगों को चीटिंग करना है और 1-to-1 बात करना है, तो वहां पे 1-to-1 बात करेंगे तो निश्चित तौर पर कभी भी किसी को झुठला देंगे। तो जीतन राम मांझी को बात नहीं मान के किस तरीके से उसको बेइज्जत करके बाहर निकाला गया, किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी जब केंद्र में मिनिस्टर थे, एनडीए के साथ थे, उनके साथ संबंध करके 5 लोकसभा देने के बाद, उनको अपने घर में लाने के बाद, उनको किस तरीके से पिछड़ा के बेटा को धक्का मार के बाहर निकाला गया, आप लोग से छुपा हुआ चीज नहीं है। और कहीं ना कहीं मेरे साथ भी वो इसी तरीके से षड्यंत्र रचने का उन्होंने काम करने लगा था।